हेलो एवरीवन, कैसे बच्चों आप सब? आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड। तो बच्चों, आज की क्लास में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। एक कंपनी कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है ये हम सीखेंगे। लास्ट क्लास में हमने देखा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फॉर्मेट, आज हम देखते हैं स्टेटमेंट ऑफ पी एन एल बनता कैसे, एक क्वेश्चन करेंगे। देखो, स्टेटमेंट ऑफ पी एन एल ये हमने बनाया हुआ है ऑलरेडी। क्या रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आता है सबसे पहले, फिर अदर इनकम आता है, टोटल इनकम, एक्सपेंस में क्या आएगा, रॉ मटेरियल कंज्यूम, परचेजेस, इस तरह से। अच्छा, रॉ मटेरियल कंज्यूम लिखोगे तो परचेजेस और चेंज इन इन्वेंट्री मत लिखना, परचेजेस और चेंज इन इन्वेंट्री इन दोनों का टोटल ही होता है रॉ मटेरियल कंज्यूम, ठीक है। और एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, अदर एक्सपेंस, टोटल एक्सपेंस आ जाएगा। ए में से हम बी को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। आफ्टर दैट टैक्स माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। मैं ये बता रहा था, अगर आपने रॉ मटेरियल कंज्यूम लिखा है बच्चों, रॉ मटेरियल कंज्यूम लिखा है तो परचेजेस मत लिखना, चेंज इन इन्वेंट्री मत लिखना, बिकॉज रॉ मटेरियल कंज्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, ठीक है। तो अगर आपने परचेजेस और ओपनिंग माइनस क्लोजिंग लिखा है तो रॉ मटेरियल कंज्यूम लिखने की जरूरत नहीं है, दोनों में से कोई एक, या तो ये फर्स्ट वाला या फिर ये दोनों, ठीक है। सॉल्व करते हैं एक क्वेश्चन। फिर ये हमने बैलेंस शीट की थी तो बैलेंस शीट कर लेंगे। ये क्वेश्चन मैं आपको कराने जा रहा हूँ, देखें क्वेश्चन सबसे पहले क्या क्या दे रखा है पढ़ते हैं। जैसे सेमेस्टर वन के अंदर भी था या आपके फाउंडेशन में भी था, ठीक है। तो वहां पर हम बनाते थे ट्रेडिंग और पी एन एल, तो ये भी ट्रेडिंग पी एन एल ही है, बट इसमें स्टेटमेंट ऑफ पी एन एल बनाना है। प्रीमिसेस एसेट्स होता है, प्लांट एसेट, स्टॉक एसेट, डेटर, गुडविल, बैंक, ये सारी चीज़ें क्या है, हमारी एसेट्स है। पॉलिसी एरियर, इंट्रीम डिविडेंड पे, 6 लाख रुपए का आपने डिविडेंड पे करा। इंट्रीम डिविडेंड कितने का पे किया है बच्चों, 6 लाख रुपए का आपने इंट्रीम डिविडेंड पे कर दिया, ठीक है। परचेजेस 18,50,000 की, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है, देखो परचेज में आ जाएगा, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, वेजेस, जनरल एक्सपेंस, ये अदर में आ जाएंगे, सैलरी एम्प्लॉई में आ जाएगा, बैड डेट अदर में आ जाएगा, डिबेंचर इंटरेस्ट पेड इसमें से कहाँ पर आएगा बताओ, डिबेंचर इंटरेस्ट, ये रहा बच्चों डिबेंचर इंटरेस्ट। फाइनेंस कॉस्ट बताया था ना मैंने आपको, फाइनेंस कॉस्ट में आता है इंटरेस्ट पेड, तो ये वही चीज़ें अब आपको रिपीट होंगी। फिर शेयर कैपिटल बैलेंस शीट में आएगा, 12% डिबेंचर बैलेंस शीट में आएगा, पहले से प्रॉफिट है ये भी बैलेंस शीट में आएगा, बिल्स पेबल है ये भी बैलेंस शीट में आएगा, क्रेडिटर है, जर्नल रिजर्व है, ये भी बैलेंस शीट में आएंगे। सेल्स, सेल्स को बोलते हैं सबसे पहले यही आएगा, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सबसे पहले हमने क्या लिखा था ये देखो, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये आएगा सेल्स में, ठीक है। उसके बाद बैड डेट्स, प्रोविजंस, प्रोविजन बना लेंगे। अब एडजस्टमेंट में क्या क्या गिवन है एक बार रीड कर लो। डेप्रिसिएशन प्लांट बाई 10%, एक तो प्लांट पे डेप्रिसिएशन लगाना है 10%, ठीक है। राइट ऑफ 5,000 फ्रॉम प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ओके, ये 5,000 रुपये अदर एक्सपेंस में डाल देना। हाफ ईयर डिबेंचर इंटरेस्ट ड्यू, अभी आधा इंटरेस्ट पेंडिंग है डिबेंचर का। क्रेट 5% प्रोविजन और बनाना है डाउटफुल डेट्स पे। प्रोवाइड फॉर इनकम टैक्स का 35% का रेट है। क्लोजिंग स्टॉक है 9,50,000। नो फाइनल डिविडेंड इज डिक्लेयर बाय द कंपनी। और 5% प्रॉफिट कहाँ डालना है, जनरल लेजर में डालना है। शेड्यूल थर्ड के अकॉर्डिंग आप अपना पी एन एल बनाओ, स्टेटमेंट ऑफ पी एन एल। तो लिखा है प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, तो यहाँ लिखेंगे आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। और जो डेट है वो डाल दोगे, फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड, ठीक है। 31st कितना था, मार्च जो भी था, ठीक है, 2023, इधर रुपीज और इधर पर्टिकुलर। अब क्या करना है, सबसे पहले हमारा कौन सा आइटम आता है याद करो, सबसे पहले आता है हमारा रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सबसे पहले यही डालेंगे हम, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब बताओ बच्चों, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब है सेल्स, सेल्स कितना था इसमें, ये रहा 41,50,000, कोई प्रॉब्लम है इसमें, ठीक है। सबसे पहले सेल्स डाल दी 41,50,000 रुपए की,
तो सेल्स हमने सबसे पहले डाल दी 41,50,000। अदर इनकम तो क्वेश्चन में कुछ थी नहीं, अदर इनकम क्वेश्चन में था ही नहीं, ना डिस्काउंट रिसीव था ना रेंट रिसीव था, कुछ नहीं, तो टोटल यही हो जाएगा। टोटल करेंगे हम रिवेन्यू का, रिवेन्यू का टोटल रिवेन्यू कितनी आ गई हमारी, टोटल रिवेन्यू 41,50,000 रुपये, सॉरी ठीक है 41,50,000 रुपये टोटल में यही आ जाएगा। अब नीचे क्या क्या लिखने थे हमें, खर्चों में क्या क्या लिखना था बताओ। जब हम एक्सपेंस की बात करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, परचेज, फिर हम लिखेंगे चेंज इन इन्वेंट्री ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। अब परचेज कितना था, परचेज था इसमें से ये रहा 18,50,000 का, तो परचेज यहाँ डाल दो 18,50,000, क्योंकि परचेज रिटर्न है ही नहीं, वरना इसमें से माइनस करके डालते हैं। चेंज इन इन्वेंट्री कैसे होता है, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, किसी को दिक्कत हो तो बताना। देखो एक चीज़ सेल्स आ गई फिर परचेज आ गई, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, क्लोजिंग स्टॉक नीचे था ये रहा 9,50,000। यहाँ पर मैं वर्किंग नोट्स बना लेता हूँ एक, ठीक है नोट्स हम बना लेते हैं। पहला नोट्स हम बना रहे हैं चेंज इन इन्वेंट्री का, चेंज इन इन्वेंट्री का कैसे निकाल रहे हैं, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। ओपनिंग स्टॉक कितना है, ये रहा ओपनिंग स्टॉक बच्चों 7,50,000, ओपनिंग कितना है 7,50,000 रुपये, क्लोजिंग कितना था 9,50,000, ये रहा ना क्लोजिंग, देखो यहाँ पर 9,50,000, 7,50,000 में से 9,50,000 हटा दो 2,00,000 रुपये, वो भी माइनस में आया है। अगर माइनस में आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है माइनस में लिख दो यहाँ पर 2,00,000 बस। तो परचेज डाल दिया, चेंज इन इन्वेंट्री डाल दिया, अब कंज्यूम नहीं आएगा, ठीक है। अब लिखो एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस, एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंसेस, एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस में क्या क्या आने वाला है बच्चों। एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस में मैंने आपको बताया था, एक तो आएगी सैलरी एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस में, एक आएगा वेजेस एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस में, इसके अलावा कुछ और आता है तो बताओ। एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस में सैलरी और वेजेस के अलावा, तो दूसरा वर्किंग नोट यहाँ पे बना लेते हैं, एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस का सैलरी और वेजेस, सैलरी कितना है, सैलरी है 2,03,000 रुपये, और वेजेस कितना है, कैलकुलेटर पे कैलकुलेटर चलाओ और टोटल बताओ मुझे 7,71,000 रुपये, 7 और 2 9, ठीक है टोटल करो इसका कितना हो जाएगा, एक मिनट 7,09,71,374, 9,74,000 रुपये एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस, 9,74,000 रुपये तो एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस भी डाल दिया हमने, ठीक है। अब डालते हैं यहाँ पर फाइनेंस कॉस्ट, आपको इसके अंदर क्या डालना है वो याद रहना चाहिए। फाइनेंस कॉस्ट के अंदर क्या आता है, इंटरेस्ट आता है, तो इसके लिए मैं थर्ड बना लेता हूँ। फाइनेंस कॉस्ट के लिए क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन या डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर निकाल लो, डिबेंचर इंटरेस्ट पे करा हमने 1,80,000 बच्चों, ये आधा है लिखा था ना इसमें कि आधा इंटरेस्ट अभी भी बाकी है, हाफ ईयर थर्ड एडजस्टमेंट, देखो हाफ ईयर का डिबेंचर अभी भी बाकी है, तो आधा अगर 1,80,000 है तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट भी तो आधा ही होगा इतना ही, मैं कह रहा हूँ आधा मैंने दे दिया और आधा बाकी है, तो 1,80,000 दे दिया तो बाकी भी कितना होगा 1,80,000, यानी कि 3,60,000 था इंटरेस्ट, ठीक है। और यहाँ से निकाल भी सकते हो, देखो 30,00,000 का 12% करो, अपने कैलकुलेटर पे करके देख लो, 30,00,000 का 12%, 3,60,000, 3,60,000 का आधा हमने दे दिया है, मतलब कि 1,80,000 तो पे कर दिया है, 1,80,000 बाकी है, यानी फाइनेंस कॉस्ट का खर्चा है हमारा 3,60,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जोड़ते थे ना वैसे यहाँ भी जोड़ोगे,
अब अगला खर्चा लिखोगे डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, इसके बाद डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। अब डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखो, ये सारा सेमेस्टर वन में था बच्चों आपके, ठीक है। फोर्थ डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, तो डेप्रिसिएशन लगाना था हमें सिर्फ प्लांट पे, वो भी 10%। तो प्लांट है कितने का जरा ये चेक कर लो एक बार बच्चों, प्लांट है कितने का? सर प्लांट है 33 लाख रुपए का, 33 लाख रुपए पे डेप्रिसिएशन लगाओ, तो प्लांट है वो 33 लाख है, इसका 10% करो कितना आएगा, 3,30,000 रुपये। तो ये डेप्रिसिएशन में लिख दो, और तो कुछ था नहीं डेप्रिसिएशन में, एक ही खर्चा है 3,30,000 रुपये। अब जो बच गया वो सारे के सारे खर्चे डाल दो अदर एक्सपेंस में, अब जो भी रह गया अदर एक्सपेंस, इसका शेड्यूल क्या बनाया था हमने, 1, 2, 3 एंड 4, चार वर्किंग नोट बनाए हैं, जो भी आपने बनाए हैं वो नंबरिंग इस पे कर देना, ठीक है ना। अब रह गया हमारा अदर एक्सपेंस का, तो मैं पांचवा बना रहा हूँ नोट, अदर एक्सपेंस। अदर एक्सपेंस में हम क्या क्या डालने वाले हैं, अदर एक्सपेंस में ध्यान से डाल देना, देखो क्या क्या था अदर एक्सपेंस में एक बार। एक तो ये रहा बैड डेट्स 21,000 रुपये का, जनरल एक्सपेंस 69 का और 21 का, तो ये दोनों को डाल दो पहले। तो एक तो है जनरल एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस है कितना 69, इसको तो ऐसे ही डाल दो। अगला है बैड डेट, बैड डेट ठीक है ना, बैड डेट कितना था हमारा ये 21,000 का, तो जो है वो तो डाल ही दो। अभी एडजस्टमेंट वाला भी देखते हैं प्लस करना है या माइनस करना है, बेड डेट्स हो गया, और कोई खर्चा है वो डाल दो। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस 50,000 है, इसमें से कितना राइट ऑफ करना है 5,000, बोला था ना ये रहा। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस कितना राइट ऑफ करना था, 5,000 राइट ऑफ करना था, ये लिखा। सेकंड एडजस्टमेंट पढ़ो, राइट ऑफ 5,000 फ्रॉम प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस में अब क्या करना है, राइट ऑफ करना है 5,000, तो वो भी डाल दो। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कितने के आएंगे, ये 5,000 रुपये के आ जाएंगे, ठीक है। अब प्रोविजन कितना बनाना है डेटर पे वो चेक करो, डेटर्स पे बनाना था प्रोविजन, क्रिएट 5% प्रोविजन ऑन डेटर्स फॉर डाउटफुल डेट, डेटर है कितने के यहाँ चेक करो, डेटर्स हैं 8,70,000 के बच्चों। तो डेटर्स का हमने वर्किंग नोट तो बनाया नहीं है, यहाँ बना लेते हैं, ये कौन सा था, अभी मैं यहाँ पे डेटर्स पे प्रोविजन बना लेता हूँ पहले। डेटर कितने का है, 8,70,000 रुपये का, इस पर प्रोविजन बनाना है, कितना बनेगा 5%, तो आने वाले प्रोविजन से मतलब नहीं है, 8,70,000 का 5% करो बच्चों, ये आ रहा है 8,70,000 का 5%, 43,500, 43,500। अब देखो प्रोविजन का ट्रीटमेंट कैसे करना है, जब मैंने आपको फाइनल अकाउंट पढ़ाया था ट्रेडिंग पीएनएल, तो मैं ये कहता था जब पीएनएल बनाओगे प्रोविजन यहाँ डाल देना, कौन सा वाला, नया वाला, और ओल्ड वाला यहाँ डाल देना, इसका मतलब नया वाला प्लस होता है पुराना वाला माइनस होता है, तो वैसे ही करेंगे इसमें भी, क्योंकि इसमें डेबिट क्रेडिट तो है नहीं, एक ही साथ करना है, प्लस माइनस ही करना पड़ेगा। तो नया प्रोविजन है 43,500 का, ये अदर एक्सपेंस में आएगा। अभी हमने न्यू प्रोविजन बनाया कितना 43,500, इसी में से माइनस हो जाएगा बच्चों ओल्ड वाला प्रोविजन, माइनस ओल्ड प्रोविजन, पहले से प्रोविजन कितना बना है वो चेक कर लो, ओल्ड प्रोविजन बना हुआ था, बैड डेट प्रोविजन पहले से बना था, ये रहा बच्चों देखो 35,000 रुपये का, 35,000 यहाँ डाल दो, और सारे खर्चे चेक करो अगर कोई खर्चा रह गया हो तो। टोटल लगा लें इसका 69, 21 + 5 + 43, 500 - 35,000, 1,03,500 रुपये, 1,03,500, ठीक है। अब अदर एक्सपेंस में ये लिखोगे 1,03,500,
और जो ये नोट्स हमने बनाए हैं इसको भी आप बॉक्स में बना सकते हो पर्टिकुलर और अमाउंट कर। अब इसका टोटल लगा दो, टोटल एक्सपेंस कितना है 18,50,000 माइनस 2,00,000 प्लस 9,74,000 प्लस 360 प्लस 3,30,000 और 1,03,500 34,17,500 रुपये हो रहा है टोटल 34,17,500 रुपये। अब बताओ प्रॉफिट कैसे निकालें, प्रॉफिट निकालना बताया था ना, प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट आएगा ए माइनस बी करके भाई एक्स, ये इसमें से ये वाला माइनस कर दो तो प्रॉफिट आ जाएगा 41,50,000 माइनस 34,17,500 रुपये, तो बच्चों आ गया 7,32,500, 7,32,500। इसमें से मैंने बोला था टैक्स के लिए प्रोविजन बनाना है, याद हो तो फॉर्मेट, जिसने फॉर्मेट याद करा होगा उसको 1% भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रोविजन कितने परसेंट था इस क्वेश्चन के अंदर, ये लो दोबारा दिखा भी देता हूँ तुम्हें मैं आपको। आप प्रोविजन ये रहा, प्रोवाइड फॉर इनकम टैक्स 35% है, तो कुछ नहीं करना, अपने कैलकुलेटर पे लिखो 7,32,500 और उसका कर दो 35%, 256,375 आ जाएगा, 256,375 और ये इसमें से माइनस कर देना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आ गया, ये जाएगा बैलेंस शीट में 4,76,125। इसमें से कुछ जनरल लेजर में भी डालना है, वो कैसे डालते हैं अभी वर्किंग नोट में देखेंगे। यहाँ तक अगर कोई भी डाउट है तो बताओ किसी, ठीक है। ये बन गया अपना पूरा 4,76,125 रुपए का प्रॉफिट आ गया। अब बनाते हैं बैलेंस शीट। तो इस क्वेश्चन की हेल्प से हमने क्या बनाया, पहले ट्रेडिंग एंड पीएनएल, अब बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाते हैं, बैलेंस शीट में देखो सबसे पहले शेयर कैपिटल है 40,00,000 रुपए की, शेयर कैपिटल कितने की है 40,00,000 और कॉल सीन एरियर भी आ गया था, तो कैपिटल से माइनस करें या प्लस करें। कुछ लोगों ने कैपिटल के पैसे नहीं दिए तो सर हटा दो, सिंपल सी बात है, अगर कुछ लोगों ने कैपिटल के पैसे नहीं दिए तो उसमें से क्या करोगे। अब शेयर कैपिटल मुझे बैलेंस शीट में डालना है 40,00,000 पर यहाँ पर कॉल सीन एरियर भी था कहीं, कॉल सीन एरियर मतलब लोगों ने पैसा नहीं दिया 75,000, तो 40,00,000 में से 75,000 को हटा दो, 40,00,000 माइनस 75,000। फिर मैं यहाँ लिख दूंगा, मैंने इसका कोई नोट नहीं बनाया क्योंकि एक ही अमाउंट था 39,25,000, नोट में भी दिखा सकते हो आप। दूसरा है रिजर्व एंड सरप्लस, तो रिजर्व एंड सरप्लस का नोट हम बनाएंगे। कितने नोट हम बना चुके थे, 1, 2, 3, 4, 5 तक बना चुके थे, चलो ये छठा नोट हो गया। सेवेंथ हम बनाएंगे रिजर्व एंड सरप्लस का, यहीं से बना लेते हैं रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस का आपको बच्चों नोट बनाना पड़ेगा क्योंकि इसमें कई सारी चीज़ें होती हैं। रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या होता है, एक तो जनरल रिजर्व होता है और प्रॉफिट एंड लॉस भी होता है, पीएनएल और जनरल रिजर्व, इन दोनों की कहानी थोड़ी ध्यान से बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो पहले चेक करते हैं एक बार, पहले से भी है क्या इनके पास, देखो 12% डिबेंचर है, कितने के हैं 12% डिबेंचर 30,00,000 रुपए के, इसको तो सीधे ही लिख दो यहाँ पर बैलेंस शीट में 30,00,000 रुपए के डिबेंचर, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में आएंगे डिबेंचर, कितने के हैं 30,00,000 रुपए के, ये तो मैंने सीधे यहाँ लिख दिया ऐसे ही, 30,00,000 रुपए के डिबेंचर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद सरप्लस में पहले से ही है पीएनएल में 2,63,000, पीएनएल में पहले से है 2,63,000 रुपए, जनरल लेजर में भी है क्या कुछ, जनरल लेजर में भी है पहले से 2,50,000 रुपए, जनरल लेजर में कितना है 2,50,000। अब बताओ करंट ईयर का प्रॉफिट कितना आया, करंट ईयर प्रॉफिट अभी निकाला था हमने ट्रेडिंग पीएनएल बना के, करंट ईयर का प्रॉफिट कितना था, ये देखो यहाँ पर करंट ईयर का था 4,76,125 रुपये, 4,76,125 रुपये का करंट ईयर का प्रॉफिट था। अब इसको कैसे डालना है करंट ईयर के प्रॉफिट को, यहाँ लिख लो पहले 4,00,000
75,125 रुपए, ठीक है। करंट ईयर के प्रॉफिट में से कुछ जनरल लेजर भी बनाना था। अभी देखो ये ओल्ड है, ये भी ओल्ड है, ये न्यू है, इसमें से कुछ पैसा डालेंगे कहाँ पर, जनरल लेजर में। कितना डाल दूँ बताओ जनरल लेजर में, कितने परसेंट लिखा था ट्रांसफर 5% नेट प्रॉफिट का जो आफ्टर टैक्स वाला है उसको जनरल लेजर में डाल देना। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है हमारे पास 476,125, इसका 5% कितना होता है चेक करना पड़ेगा। 476,125 का 5%, 476,125 का 5% बच्चों, इसका 5% आ रहा है 23,806 रुपये। 23,806 इसमें से घटा दो, इसमें जोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 23,806 और 250,000, तो ये हो गया हमारा 273,806 रुपये। PNL में कितना है 263,000 प्लस 476,125 माइनस 23,806 रुपये, तो ये हो गया 715,319 रुपये। अब तो कुछ होगा नहीं, ठीक है, 715,319। अब टोटल लगा लेते हैं 273,806, सारा मिला के हो गया बच्चों ये 9,989,125। कैलकुलेशन चेक कर लो, और तो कुछ नहीं किया था ना, डिविडेंड वगैरह तो नहीं दिया था कहीं, डिविडेंड था कहीं, डिविडेंड को भी चेक कर लो। अरे ये रहा, एक डिविडेंड भी है बच्चों, इंट्रीम डिविडेंड भी तो पे करा था 6,00,000 रुपए। डिविडेंड मिलता है शेयर होल्डर को, कहाँ से दिया होगा, प्रॉफिट में से बच्चों। ये डिविडेंड ना खर्चा नहीं होता, ये प्रॉफिट आने के बाद देना होता है। तो इसमें से 6,00,000 रुपए का तो हमने डिविडेंड बांट दिया, 6,00,000 रुपए क्या कर दिए, डिविडेंड बांट दिया। तो ये 6,00,000 से और कम कर देना, 7,00,000 में से 6,00,000 और चले गए, तो इसको चेंज कर देता हूँ, 7 की जगह यहाँ लिख दो, 7 में से 6 गया, 1 बचा, 115,319 रुपये। अब दोबारा टोटल कर लो, 9,00,000 आ रहा था ना, उसमें से 6,00,000 और माइनस कर लो, 6,00,000 रुपये के हमने डिविडेंड बांट दिए हैं, तो अब बचा हमारे पास 389,125, ठीक है, 389,125। अब बताओ कोई दिक्कत है तो, 389,125 इतना काम आपने कर लेना है, ठीक है। अब और क्या था, कुछ था और कुछ, देखो यहाँ पर डेप्रिसिएशन लगा दिया, राइट ऑफ 5,000 फ्रॉम प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस थे कितने, 5,000 तो हमने राइट ऑफ कर दिए। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस थे बच्चों ये रे 50,000 रुपये, ये भी नुकसान है, पर इसमें से हमने खर्चा कितना माना से रे 5,000, बाकी को खर्चा भी माना ही नहीं, कितना बचा हुआ है 45,000, तो 45,000 का लॉस दिखाऊँ यहाँ पर। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कितने के बच गए थे, 45,000 रुपये के, वो राइट ऑफ करने हैं। अब देखो रिजर्व एंड सरप्लस में लेना क्या होता है, जनरल लेजर पुराना वाला प्लस नया वाला, प्रॉफिट पुराना प्लस नया, अगर कुछ जनरल लेजर में डाला है तो वो हटा देंगे, कुछ डिविडेंड दिया है तो वो हटा देंगे, कोई प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अगर बचा हुआ है जो राइट ऑफ नहीं हुआ, तो 45,000 का राइट ऑफ नहीं हुआ वो भी एडजस्ट कर लेंगे, तो 45,000 अगर हम और एडजस्ट कर लें तो 3,44,125 रुपये बचेगा। ये थोड़ा सा टेक्निकल होता है रिजर्व एंड सरप्लस, तो ये ध्यान से देख लेना एक बार और, रिवाइज कर लेना अच्छे से, 3,44,125 रुपये, ठीक है। क्या किया हमने पहले, पुराना प्रॉफिट प्लस नया प्रॉफिट, पुराना प्रॉफिट ये रहा 263, नया है 476, इसमें से कुछ जनरल लेजर में डालना था 23,806, 476,125 जो इस साल कमाया है इसका 5% जनरल लेजर में डाल दिया, ठीक है, 6,00,000 का डिविडेंड दे दिया, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस राइट ऑफ कर दिए, ये हो गया काम खत्म, 3,44,125 रुपये, कोई प्रॉब्लम। अब देखते हैं और क्या है बैलेंस शीट में, अब आता है ट्रेड पेबल, कितना 7 वर्किंग नोट बना लिया था हमने, 8वां बनाते हैं, 8वां बना देते हैं ट्रेड पेबल का। ट्रेड पेबल में कुछ नहीं आता बच्चों, सिर्फ क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, इन दोनों को जोड़ दो, बन गया ट्रेड पेबल, यही तो बताया था। तो क्रेडिटर कितने के हैं हमारे, ये रे 4,00,000 के, जबकि बिल पेबल हैं 370, तो 4,00,000 और 370, 4,00,000 और 370, 7,70,000 रुपये,
यहाँ लिख दो ट्रेड पेबल में 770,000 रुपए। ठीक है 770,000 रुपए। अब बताओ कोई प्रॉब्लम है तो। अगला अदर करंट लायबिलिटी 9वें नंबर पे, तो यहाँ पे 9 नंबर डाल देते हैं। अदर करंट लायबिलिटी में देखते हैं क्या क्या आ सकता है हमारा। अदर करंट लायबिलिटी में आते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, कोई और लायबिलिटी पे हो तो। एडजस्टमेंट में ऐसा कुछ था, आउटस्टैंडिंग एक ही चीज था, डिबेंचर का इंटरेस्ट, वो भी हाफ ईयर का। तो डिबेंचर इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट करा था 180 और 180, यही जाएगा अदर करंट लायबिलिटी में। बस 180,000 इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिबेंचर्स 180,000, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा इसमें। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में क्या आएगा, 10वें नंबर पे आ रहा है शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म प्रोविजन इसके अंदर आता है बच्चों प्रोविजन फॉर टैक्स। आपने टैक्स का प्रोविजन बनाया होगा, अभी हमने टैक्स बनाया था, ये रहा 256,375 टैक्स प्रोविजन, तो ये यहाँ डाल दो 256,375। ठीक है 256,375 लायबिलिटी वाली साइड पूरी हो जाएगी। ध्यान से करना, ये बैलेंस शीट मैंने आपको पिछली क्लास में लिखवा दी थी, वही है। अब एसेट्स की बारी, चलो पहले एक बार टोटल कर लेते हैं। 39,25,000, 344,125, 30,00,00, 7,70,000 और 1,80,000 256,375, 8,475,500 टोटल आया है 8,475,500। के बाद आप बनाओगे एसेट्स, एसेट्स वाली साइड। एसेट्स में सबसे पहले क्या लिखोगे, नॉन करंट एसेट्स। बच्चों एसेट्स में सबसे पहले क्या लिखोगे, नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स का मतलब होता है फिक्स्ड एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स का मतलब क्या होता है, फिक्स एसेट, जिसको हम पीपीई भी कहते हैं। मैंने बताया था सबसे पहले लिखेंगे पीपीई, इनको हम टेंजिबल एसेट्स भी कहते हैं, जो टेंजिबल होते हैं। तो इसके लिए वर्किंग नोट 11 बना लेते हैं पीपीई के लिए। हमारे पास एक प्लांट था जिसपे मैंने डेप्रिसिएशन निकाला था, प्लांट था शायद 33 लाख रुपए का। प्लांट कितने का था, 33 लाख का, और प्रीमिसेस कितने की हैं, 30,72,000 की। 33 लाख और 30,72,000, ये तो है 33 लाख रुपए का। और प्रीमिसेस कितने की हैं हमारी, 33,72,000 ना प्रीमिसेस, 30,72,000 रुपए की, 30,72,000 की तो प्रमाइसिस हो गई, और 33 लाख का प्लांट हो गया। इस पर 10% डेप्रिसिएशन भी लगाया था, 3,30,000 डेप्रिसिएशन माइनस कर दो कितना बचेगा, 33 लाख में से 10% हटा दिया, 29,70,000 रुपये। 29,70,000 प्लस 30,72,000 टोटल कितना हो गया, 29,70,000 जमा 30,72,000 60,42,000 रुपये हो गई। ये 60,42,000। अब बताओ कोई प्रॉब्लम है तो। ठीक है फिर और क्या था, इनटेंजिबल, टेंजिबल लिख लिया तो अब लिखो इनटेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल एसेट्स क्या क्या होते हैं हमारे, इनटेंजिबल एसेट्स में आएगी गुडविल, पेटेंट अगर होगी तो लिख देंगे यहाँ पर, गुडविल थी क्वेश्चन में। उसके बाद नॉन करंट लिख लिए, अब लिखेंगे हम करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में क्या लिखोगे, सबसे पहले 1 नंबर पे इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में हम क्या डालते हैं, क्लोजिंग स्टॉक। तो पहले गुडविल चेक करो क्वेश्चन में कितनी थी, देखो प्रीमिसेस हो गया, प्लांट हो गया, स्टॉक आएगा नहीं, अब डेटर्स अभी आएंगे। गुडविल है 2,50,000 की, गुडविल कितनी की है, 2,50,000 की, और क्लोजिंग स्टॉक है 9,50,000। क्लोजिंग स्टॉक डालते थे ना बैलेंस शीट में, तो पहले तो गुडविल डाल दो, गुडविल कितने की है अपनी, 2,50,000 रुपए की।
इन्वेंट्री कितने का है? 950,000 रुपये का। अब डालो ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल के लिए मैंने डेटर्स बनाए थे यहाँ कहीं, ये रहे। इसके लिए एक वर्किंग नोट बना दो ट्रेड रिसीवेबल के लिए। इसको बोलते हैं हम ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल में आता है डेटर्स। तो 870,000 में से 5% माइनस किया तो ये बच गया 826,500। चेक करो क्या कोई बीआर था क्वेश्चन में इस बार, बीआर नहीं था तो ऐसे ही डाल दो। इस क्वेश्चन में बिल रिसीवेबल होता तो इसी में जोड़ देते। 826,500 रुपये इसका वर्किंग नोट बन गया 12। ठीक है, अब डाल दो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश दिया होगा क्वेश्चन में ही। प्लांट स्टॉक बैंक है 407,000 रुपये, इसके अलावा कुछ नहीं जोड़ना, 407,000 रुपये। अब इसका भी टोटल लगाते हैं एक बार। देखो बच्चों 60,42,000, 250,000, 950,000, 826,500, 407,000, 847,500 एग्जैक्ट मैच कर जाएगा अगर सही करोगे तो, 84,75,500 रुपये। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। अब मैं पूरा क्वेश्चन आपको एक बार दिखा देता हूँ, फिर आप इसको करें नोट, आप इसको आराम से नोट कर लो। पहले तो ये बनाओ स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, आप वीडियो को स्टॉप करें और बना लें आराम से यहाँ पर। ठीक है, ये देखो पूरा यहाँ तक, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल के बाद इसके नोट्स बनाना, यहाँ से नोट नंबर 1, फिर 2, वीडियो रोक के बना लेना, फिर नोट नंबर 3 और 4, के बाद नोट नंबर 5। जैसे ही नोट नंबर 5 कंप्लीट हो जाएगा तो समझ लो ये हो गया आपका पीएनएल वाला पार्ट पूरा। फिर बनाना बैलेंस शीट, बैलेंस शीट ड्रॉ करो, उसके बाद नोट्स बना लेना एक बार में ना। बैलेंस शीट के बाद बनाओ बैलेंस शीट के नोट, कहाँ तक बना दिए थे हमने, 5 तक बनाएंगे। कौन सा नोट था हमारा, 6 मैंने शेयर कैपिटल इसी में बना दिया देखो। ठीक है, 7 से बनाओ, 7 रिजर्व एंड सरप्लस का, 8 बनाओ ट्रेड रिसीवेबल्स का, 9 अदर करंट लायबिलिटी, 10 शॉर्ट टर्म प्रोविजन। ड्रॉ करो इसको, ड्रॉप करके अपना लिख देना। ठीक है, 11 पीपीई का बनाओ, एसेट्स का, और 12 के लिए ये बनाओ ट्रेड रिसीवेबल बनाओ। चलो जी बाकी करते हैं फिर नेक्स्ट प्रैक्टिस करते हैं।